सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। बलिया आगामी नगर निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार में जोरों शोरों से लगे प्रत्याशी निशित श्रीवास्तव निशु। जनपद बलिया में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर के प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। निशित श्रीवास्तव उर्फ निशु ने खास बातचीत में बताया कि जनपद बलिया समस्याओं का भंडार हो चुका है। बताया कि वर्तमान में चाहे सड़क व्यवस्था हो, जलजमाव, वो पूरी तरह से इस स्थिति को दयनीय बना दी है। जनता बिल्कुल तबाह है। दावे तो तमाम किए गए लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं दिखा। वर्तमान में बरसात का मौसम है और जलजमाव के कारण गंभीर बीमारियों के चपेट में लोग आ रहे हैं। सुनिए आगामी नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशी निशित श्रीवास्तव उर्फ निशु ने क्या कुछ कहा। मैं निशित श्रीवास्तव निशु, नेता नगर पालिका परिषद बलिया। निशु जी, आप बड़ा कम समय में जनता के दिलों में बसने लगे हैं, क्या मामला है, क्या कारण है? ये तो जनता का आशीर्वाद है और जनता का स्नेह और प्रेम है। मैं तो कर्म करता हूँ, कर्म मेरे लिए ही है, संघर्ष करना मेरा काम है और समाज सेवा करता हूँ जहाँ भी जो भी समस्याएं रहती हैं। वर्तमान में नगर पालिका को जनता नगर पालिका का रूप दे रही है, नगर पालिका को नरक पालिका जनता कह रही है, क्या मामला है? मामला ये है कि 5 साल से पूरे शहर में, पूरे नगर पालिका क्षेत्र जो भी है, एक भी काम होने का कहीं भी कोई काम नहीं हुआ है। पूरे नगर क्षेत्र में आप घूम लीजिए, 25 वार्ड है पूरे नगर पालिका में, एक भी वार्ड ऐसा नहीं है जिसमें गली में पानी ना लगा हो, रोड खराब ना हो, नाली भरा ना हो, बजबजाता ना हो, हर पूरे वार्डों की व्यवस्था है ये। तो पिछले दिनों नगर पालिका या संबंधित अधिकारी बड़ा जोरों शोरों पे नाली निर्माण का कार्य किए, वर्तमान में क्या स्थिति है जल जमाव को लेकर के, क्या कहेंगे? बहुत ही हास्यप्रद स्थिति है। आप कुंवर सिंह चौराहे पे देख लीजिए, पूरा नाली चौक पड़ा हुआ है। रामपुर उदयबांग का इलाका है, वहाँ का पानी रिस रिस के निकल रहा है, बड़े नाले में आ रहा है। पूरे नाले की स्थिति जाम की है। मिट्टी का देख लीजिए, हरपुर मिट्टी भी जो नाला बना है आधा अधूरा पड़ा हुआ है, कोई भी काम संपूर्ण नहीं हुआ, बस कहने के लिए हुआ है कि काम हो रहा है। सड़क व्यवस्था तो काफ़ी अच्छी हो गई है, वाहन दौड़ रहे हैं। ये तो बहुत शुभकामना है। गड्ढा सड़क कम है, गड्ढे ज़्यादा हैं, सड़क की स्थिति कम है लेकिन गड्ढा बहुत ज़्यादा भैया, इतना स्थिति जर्जर हो गया आए दिन। अभी तो रेवती स्टैंड है, हम लोग के NCC चौराहे से आगे, अभी एक हमारे भाई बड़े भाई है प्रवीण सिंह, वहाँ का वीडियो बना रहे थे कि यहाँ की स्थिति है और अचानक ई रिक्शा एक पलट गया, अब इससे बड़ा दुर्व्यवस्था क्या हो सकता है। अच्छा, शहर को गंदगी के अंबार के रूप में पहचान किया जा रहा है, बलिया में गंदगी का अंबार जनपद के लिए पहचान बन गया है, क्या कहेंगे? बलिया गंदगी के लिए अंबार इसलिए बन गया है कि पूरा शहर इस समय, पूरा नगर पालिका क्षेत्र कूड़े के ढेर पे पड़ा हुआ है। एक तो आप जापलीगंज इलाका देख लीजिए, टाउन हॉल का इलाका देख लीजिए, भृगु आश्रम का इलाका देख लीजिए, अमृतपाली का इलाका देख लीजिए, हरपुर मिड्डी का इलाका देख लीजिए या सिविल लाइन का इलाका देख लीजिए, कोई ऐसा इलाका ना बचा हो, हुआ हो जिसपे कूड़े का ढेर ना लगा हो, तो क्यों नहीं कोई कहेगा कि कूड़े का ढेर है। सुबह लोग स्वास्थ्य को सही करने के लिए टहलने निकलते हैं लेकिन वातावरण इतना बलिया का दूषित हो गया है कि लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, वो स्वास्थ्य सही करने के लिए